السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आ, काला। काला इन आयत हदीस मबारक़ा करेंगे बाब की आखिरी हदीस इन हकीम अबिनी कला खाल रसोल्ह वसमा अलबी आने बिल्खियाारी मालमियतफरक़ा व इन सदा का वबैना बोरी बहिम वो इनक चम विकत बार बहिमा जी तो ये हदीस मुबारका है मुतफन अल है तो इस हदीस को हम देखते हैं इनशाला आइये उम सिद्रा जी सर यहाँ पर दो काला है काला काला पहले काला का फाइल क्या है और दूसरे काला का फाइल क्या है पहले काला का फाइल हुआ है सर जो अभी खालिद की तरफ राजी हो रहे रहे थे लोन हो और दूसरा दूसरे का फाइल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये आपने दूसरा फाइल जो है वो कैसे पहचाना है वो रसूल रफा में है सर वेरी गुड रफा में है ठीक है जी तो फाउजिया بنت صدیق मुझे ये बताइए अलबई आनी ये जुमले में क्या मकाम है इसका सर यहाँ पे ये मुदाफ इले बन रहा है अच्छा इसका मुदाफ कौन सा है जी फौजिया सर ये मुदाफ़ नहीं बन रहा ये तो चले बन रहा है ठीक है तो इस तरह ना किया करें ना मुफ्त बन रहा है जी ठीक है मुफ्त बन रहा है ओके ठीक है है या जमा है मुसन्ना देखें मुसन्ना अगर मुजाफिल होता तो क्या ये हालत रफा में होता नहीं हालत रफा में नहीं होता है चले ठीक है आगे चलते हैं हम जी हुमैरा आइए जी सर अल्बी आनी ये मुफ्त है ठीक है और बिलखियारी क्या जुमले में ये खबर हो जाएगा ठीक है गुड बिनते जी ये माँ कौन सा है अच्छा ये माँ मौसूला नहीं है

अच्छा चले अभी हम इसको जगह जगह को शो कर रहा नहीं अभी मकान हो जाएगा देख लेते हैं हाँ मुझे मुबीन तो दो दिन लग रहे थे वैसे रह से मुबीन इसाक लम किस लिए है सर जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये जरफिया है और लम पूछा है वो जैसा कि उन्होंने जो बता दिया वो बता दिया जी सर ये सर ये लम जो है ये जवाजी मुलमजारे है ठीक है और ये क्या करता है सर ये फेल मजारे को मजूम करता है और जुमले में नफ़ी का मफहम भी पैदा करता है और जुमले को माजी के साथ मुख्त कर देता है जुमले को माजी के साथ मुख्त कर देता है जी तो मुझे बताइए मुबीन लम क्या करता है सर जैसे मैंने बताया ये फेल मुजारे को मजूम करता है, है। और जुमले ज़ुमले में नफी का मफूम पैदा कर देता है और जुमले को माजी के साथ खास कर देता है वेरी गुड माशा अब मुबीन मुझे ये बताए ये पहले तो मुझे बताए ये कौन सा फेल है मुजहरे सर ये मुजाहरे का है और मुसन्ना है और कौन मजूम मज्ञू, है मजू मजूम मनसूब मरफू क्या जी जी सर ये मुजारे मजूम है लम की वजह से गुड अब मुझे इसका मादा बता और ये इसका मादा है फाफ बाप तफाउल से वेरी गुड बाब तफाउल से है फाइल क्या है इसका जी सर इसका फाइल है है हुमा हुमा ठीक इसके अंदर मुसना का सीखा है तो इसका मज़ूम होने के लिए ड्रॉप क्या हुआ है सर इसका यहाँ पे नून से जो है ना वो ड्रॉप कर दिया गया वेरी गुड माशाल्लाह तो इसका मतलब होता है अलग होना है एक दूसरे से सो अलबी आनी बिलखियारी अच्छा बई आन एक ऐसा इसम है जो मुसन्ना के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसमें खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का मतलब होता है यानी इसका मतलब यह है कि अलबी आनी के दो आदमी हैं एक खरीदार है एक बेचने वाला है ठीक है तो उसको कहते हैं अलबी आन अलबी आनी बिलखियारी मालमयत फर्रका अब मुबीन मुझे, मुझे बताएं लमय य का तर्जुमा क्या करेंगे आप सिर्फ इतने हिस्से का सर मुझे कहता है का, का तर्जमा भूल गया आपने क्या बताया था आप खुद निकालें आप तर्जमा इसमें से अब आप आप पे जिम्मेदारी जी, जी सर मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि इसका मतलब है कि अलग करना शायद अलग होना जुदा होना तफर का बाब तफाउल है ना इसमें खुद किसी चीज जी. का हासिल करना होता है ये तफर का अलग हो जाना तो क्या तर्जमा होगा लम या तफर ठीक है उन दोनों ने अलग वो दोनों अलग नहीं हुए वेरी गुड वो दोनों अलग नहीं हुए अच्छा ये जो माँ है ये माँ जरफी है ठीक है अब ये जब तक के मीनिंग जाता है जर्फ की मीनिंग दे रहा है तो अल बिल खियारी यानी दोनों दो दो यानी खरीदार खरीदार और बेचने वाला दोनों को इख्तियार हासिल है जब तक कि वो जुदा ना हो जाए जब तक कि वो जुदा ना हो जाए तब तक उनको इख्तियार हासिल है मतलब ये है इस हदीस में कि अगर एक आदमी बेचने वाला है दूसरा खरीदार है दोनों एक जगह पर अब आए हैं फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए गाड़ी एक ने बेचनी है दूसरे ने खरीदनी है अब खरीदने वाले को भी इख्तियार हासिल है और बेचने वाले को भी इख्तियार हासिल है कि जब तक वो अलग ना हो जाए वो अपने फैसले को रिवर्ट कर सकते हैं यानी बेचने वाले ने बेच दी और अभी जुदा नहीं हो तो उसने कहा नहीं यार मेरा फैसला कैंसिल मेरे पैसे वापस करो मैं गाड़ी नहीं बेच रहा और इसी तरह खरीदने वाले का भी है कि वो खरीदने वाले ने बुला लिया ठीक है आ जाओ ले लेंगे और वो आप सॉरी मैं नहीं ये गाड़ी ले रहा तो जब तक वो अलग ना हो जाए उनको अख्तियार हासिल है कि वो अपना सौदा अपनी खरीदारी कैंसिल कर सकते हैं इल्ला ये कि कोई शर्त पहले से ना रखी गई हो कि ऐसा नहीं होगा तो अगर शर्त रखी गई और शर्त जाए तो उस सूरत में फिर आ, वो सौदा कैंसिल नहीं होगा सो ये तो एक हदीस का हिस्सा है अब इस हदीस की आगे बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है ये भी है इनके साथ तो वास्ता ये हमारा शायद कम पड़े लेकिन अगली बातों के साथ आसानी से पढ़ सकता है छोटी छोटी चीजों में ओके आगे चलते हैं गुड माशाल्लाह मुबीन आप अच्छा कर रही है। आगे हैं आगे चलते हैं मरियम आइये ओके उम्म आइए जी सर

बैन बैना ये बैना मुझे इसका फाइल बता दें फेल बता दें और मादा बता दें और बाप बता दें सर जी फाइल इसका हुमा है और बा या नून बाब तफील से है ठीक है बा या नून बाब तफील से बैना यू बैनू फेल माजी है ठीक है हुमा इसका फाइल हो गया तो क्या तर... अब तर्ज, अब जुमला मिलाकर तर्जुमा कर दें इन सदका व बैना बैना यू का मतलब होता है वाजे कर देना आप बताए फिर अगर वो दोनों सच बोले और वाजिया कर दें और उन दोनों ने वाजे कर दिया कर दिया ठीक है ठीक है यानी अगर वो दोनों सही सही जुमला है ना अगर वो दोनों सच बोले और वो दोनों वाजे कर दें बूरी का लाहुमा फी भाई एहिमा ओके जी सना ताहिर यस सर बूरी का कौन सा फेल है <laughs> बूरी का। सर ए... बूरी का सर ये है? जी, है। जी, सर। है। कौन सा है? माजी गुड सो बारह का से बूरी का ठीक है मजहूल है बूरी का बाओ, 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 आ, और इसका रामादा

मा तो ये लाहू माँ पे लेके जाएंगे नहीं ना उन दोनों अच्छा सदा का ठीक है सही कह रही है पर इसी पे आ जाएगी और लाहुमा के जो हुमा जमीर है वो वापस बजीना और सदा का के बीच बीना पे में उनकी तरफ चली जाएगी तो क्या चर्जमा हुआ बोरी का लाहुमा फी बिमा लाहू उन, आ, उन दोनों के लिए आ, सर सर बरकत उन दोनों के लिए सर... मरियम आप तर्जुमा करें जी उस्ताद उस्ताद ये बी में हम सौदा कह सकते हैं मतलब जी जी सौदा कह सकते हैं ठीक है ठीक है तो अम... उनके सौदे में उन दोनों के सौदे में बरकत डाल दी गई डाल दी जाएगी शर्त है ना जवाब अगर जीज़ वो भी भी सच कहेंगे दोनों वाजे कर देंगे तो उन दोनों की खरीदारी में उन दोनों के सौदे में बरकत डाल दी जाएगी बुरी कला ये क्या है ये असल में होता ये है रसोल वसलम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दिया कि जब जब कभी भी बिजनेस कारोबार करें कोई चीज बेचने जाए तो उसके बारे में सच बोले इसकी एग्जाम्पल यूं ले लीजिए एक आदमी गाड़ी बेचने आया अब स, इसमें स, सच और वाजे करने का मतलब क्या होता है अब वो गाड़ी लेकर आया और उसने कहा मेरी गाड़ी नए मॉडल की है ये इसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है इसको मैंने कुछ पेंट नहीं करवाया है लेकिन हकीकत बारकस है तो वो क्या कर रहा है वो झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है वो मरियम झूठ बोल रहा है सर झूठ ये बोल रहा है कि वो सिफात गलत बयान कर रहा है गलत बयानी से काम ले रहा है ठीक है हकीकत के बरकस जा भी रहा है अच्छा बैया ना का क्या मतलब है कि अब गाड़ी में कोई फॉल्ट भी है वो उसका तस्करा ही नहीं कर रहा उसको वाजे नहीं कर रहा उसके फॉल्ट को नहीं बता रहा एक आदमी है वो आकर कहता है ये मेरी बकरी है और ये बहुत दूध देती है और बहुत अच्छी है हालांकि वो दूध कम देती हो तो वो क्या कर रहा है वो झूठ बोल रहा है यानी वो सादा खा की खिलाफ वर्जी कर रहा है बैया ना कहाँ आएगा कि वो उस बकरी के अंदर जो कोई अगर बीमारी है और उसको पता है तो वो उसको वाजे नहीं कर रहा वो छुपा रहा है नहीं ये ये इस का मकसद है कि जब और उसकी सिफात सच बयान कर उसमें मुबालगा से काम नहीं लेना चाहिए ने तो क्या फरमायादा का हमारे पाकिस्तान में आजकल बिजनेस में कारोबार में खरीदो फरोख्त में बरकत जो निकल गई है उसका यही सबब है इसका अगला हिस्सा इस हदीस में आ रहा है वो इन कतमा व कतबा मोहिकत बरकत बई अहिमा अतीका कतमा इन क्या है जी सर इन शर्तिया है और कातमा फाइल माजी कातमा का फाइल हुमा हुमा है और कातबा जी ये भी माजी है और हुमा फाइल इसका

तालीम दी है इस बात की कि जब भी हम कोई कारोबार करें कोई चीज बेचें कोई चीज किसी को दे रहे हों तो सच बोलें और अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट हो तो हम उसको जरूर बताएं लाजमी बताएं अदरवाइज इसमें से क्या होगा अः बरकत निकाल ली जाएगी और जब बरकत निकल जाएगी तो फिर ज्यादा भी पूरा नहीं होगा इंसान असल में झूठ कब बोलता है या चीजों को वाज कब नहीं करता जब उसे खौफ होता है कि मुझे इसमें नुकसान होगा अब वो इस नुकसान के खौफ से उस चीज को बेच तो देता है एक तरह से वो ऐप भी छुपा लेता है झूठ भी बोल लेता है चीज भी बेच लेता है पैसे उसने ज्यादा ले लिए अब अब उसको उसको बरकत बरकत नहीं मिली अब इस बरकत का उसको नुकसान उठाना होगा तो इंसान नियत करे तो अल्लाह ताला बेसिकली बरकत है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इंसान झूठ झूठ क्यों बोलता है धोखा क्यों देता है वो इसीलिए देता है कि उसको डर ये होता है कि यार ये मेरी दस रुपए की चीज अगर मैं फॉल्ट बताऊंगा तो सात रुपए की बिकेगी लेकिन वो ये भूल रहा होता है कि अगर वो सच बताएगा फॉल्ट वाजे करेगा तो उस चीज के बेचने में बेशक कीमत हो सकता है कम मिल जाए लेकिन उस कम कीमत में अल्लाह वो बरकत डालेगा जिसका बदल नहीं हो सकता अल्लाह कम कीमत के अंदर बरकत डाल के माम क्योंकि अल्लाह हमें रिवॉर्ड देगा हमारे सच का हमारे इखलास का हमारे आ, साफ गोई का अल्लाह ताला देख रहा है ना कि ये क्या कर रहा है तो अल्लाह ताला, ताला ऐसे बंदे को बरकत देगा अभी कोई अगर ज्यादा कमा भी लेगा तो फिर वही बात आ जाएगी वह इन कथमा बरकत निकाल ली जाएगी हो सकता है कोई बेटा बीमार कर दिया जाए बीवी बीमार कर दे अल्लाह ताला तो फिर इंसान को आजमाश में मुतला कर देता है तो कभी भी कभी भी आपको चीज बेचने का वक्त आए मौका आए बिजनेस करना पड़े तो बस साफ गोई से करना है कीमत के कम होने से घबराना नहीं है अल्लाह बरकत डालने वाला बस अल्लाह को सामने रखना कि या अल्लाह बरकत तूने डालनी है मैं सच जो बोलूंगी झूठ नहीं बोल सकती जो प्रॉब्लम है वो बता दें फिर अल्लाह जाने और बरकत जाने अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा अल्लाह सुबहाना हुआ तआला से दुआ है कि वो हमारा ये अमल जो आज हमने एक हदीस की है ये कबूल फरमाए इन शह अगले लेक्चर में हम किताब जो मुराकबा का चैप्टर है वो शुरू करेंगे तो हमारी सिक्सटी से स्टार्ट हो जाएगा कल इनशा और फिर का चल ही रहा है सूरा हमारी इन्शाल्ला वो अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे ठीक है जी व सुबह से दुआ है कि वो मेरी और आपकी और हम सबकी महफुज फरमाए और हमारे वालदान को सेहत सिरमाए जिंदा है जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी महफुज फरमाए सुबह महमद आमीन और السلام عليكم ورحمه الله وبركاته